भैरवगढ़ में कल से बंद दोनों विधायकों को 500 रुपए के मुचकले से जेल से छोड़ दिया गया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जेल पहुंचे और 500 रुपए का मुचकला भर दोनों विधायकों को जेल से रिहा करवाया। कल दोनों विधायक महेश परमार व मनोज चावला को मजदूर व किसानों को हो रही पीड़ा के संबंध में उज्जैन से भोपाल पैदल निकलने वाले महाकाल मंदिर के सामने उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल भेज दिया गया। प्रशासन द्वारा जमानत पर दोनों विधायकों को छोड़ने के तैयार थे, लेकिन विधायकों का कहना था कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमें बिना जमानत के छोड़ दिया जाए। इसके बाद उक्त मामला पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास पहुंचा और आज प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजा गया और उनके द्वारा 500 रुपये का मुचकला भरा और दोनों विधायकों को रिहा करवाया। जेल से बाहर आने पर दोनों विधायकों को पानी व आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उज्जैन। सोनी जी एक साइड कमल भैया, अरे आगे ये तो भाई, इधर साइड से ये तो भाई थोड़ा पीछे सर को उज्जैन, जहां रेशियो रेट मरने वालों का देश में सबसे ज्यादा हो गया। आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज जाना, यानी मौत के मुंह में जाना, वापस नहीं आना। इंदौर सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट, क्या एक बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं था कि यहाँ इंदौर उज्जैन का दौरा करें? क्या स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के प्रभारी हैं, उनका दायित्व नहीं था कि वो उज्जैन के मृत्युधारी जितने परिवार के लोग हैं उनकी संवेदनाओं में उनके साथ खड़े रहे? इसकी चिट्ठियाँ लिखी हमारे विधायकों ने, सोशल मीडिया से बातें की और फिर प्रशासन की अनुमति के साथ पैदल उनको पीले चावल देने निकले कि एक बार इंदौर उज्जैन आ जाओ, महाकाल के दर्शन कर लो, जो लोग मर रहे पीड़ित हैं उनके भावनाओं में अपनी भावना मिला लो। और ऑटो मूट पे आपने कोरोना की महामारी को छोड़ दिया है, लोग अपने आप जिए तो जिए, मरे तो मरे। उन्होंने दिन भर से आज उपवास चालू कर दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने निर्देश किया कि उनका उपवास तोड़वाओ और अभी प्रशासन का हर दृष्टि से सहयोग करो। जमानत के लिए, जमानत एक हमारे कोरोना के मरीज ने, एक हमारे किसान ने और एक हमारे मजदूर ने उनकी जमानत दी है, मुचलका नहीं भरा है। चूँकि जमानत लेना एक कानूनन प्रक्रिया है, लेनी चाहिए, तो हमने वो प्रोसेस पूरी की है। और रही बात इसकी, बात जमानत की या अंदर और बाहर की नहीं है, बात इशू की है। आप लोगों से मैं पूछता हूँ, मुझे उत्तर देना। आप सजग जन प्रहरी हो, लोकतंत्र के प्रहरी हो, क्या एक बार भी स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री को उज्जैन आना था या नहीं आना था, बताओ आप बोल के। बिल्कुल आना था। बोल के बताओ, नहीं आना था तो नहीं आना बताओ। तो जब आना था तो एक विधायक सजग ये कहता है गाड़ी मौत का कुआं बन गया, एक बार आके देखो, तो क्या गलती की, क्यों नहीं आना चाहिए? शिवराज सिंह जी को क्या डर है भाई? ये आवाज़ आप लोग उठा रहे हैं, मैं तो लोकतंत्र के चौथे प्रहरी जो जमीन पे लड़ रहे हैं, आप लोग रिपोर्टर, कैमरामैन, संपादक, इनको पत्रकार, मैं तो इनके चरणों में सर रखकर प्रणाम कर रहा हूँ। जिस मुखरता से आप लोगों ने ये, हम बोलते हैं तो राजनीति दिखती है, पर आप लोगों ने बोली तो ये एक अच्छी पहल है और हम लोग सरकार के साथ। हम मजदूरों की, किसानों की और देशवासियों और प्रदेशवासियों, और कोरोना में पूरे देश में सर्वाधिक मौतें उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी में हुई है। इन सब बातों को अनुमति लेकर गांधीवादी तरीके से भगवान महाकाल जी के चरणों में शीश नवाकर हमारे साथी विधायक मनोज चावला जी, मैं, अजीत सिंह ठाकुर, वीरेंद्र सिंह जी, निजाम काजी जी, रणछोड़ त्रिवेदी जी, सोनू शर्मा जी, हम सब सातों साथी मिलकर विधायक जी, और हम बिल्कुल भगवान महाकाल के दर्शन करके गांधीवादी तरीके से हमारे देश का तिरंगा लेकर जा रहे थे। आप सब लोग जानते हैं पूरे देश में 1000 किलोमीटर मजदूर चलकर मर रहा है, माता बहनें रोड पर प्रसव उनके हो रहे हैं, किसान लाचार हैं, और पूरे देश लगभग 50 से 55 दिनों से पूरा देश लाइव देख रहा है। हम पूरे देश को और कुंभकर्णी नींद की सो रही देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार को जगाने के लिए जा रहे थे। हमें बर्बरतापूर्वक रोका गया, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई जो हमने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की तो तानाशाही सरकार ने रोकने का प्रयास किया, और हमें दोनों विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, हम पर गुंडे मवाली या बदमाशों के ऊपर 151 धारा लगती है। हम शिवराज सिंह चौहान को पीले चावल देने जा रहे थे, लेकिन
आज सरकार केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी सामने आती, इसलिए आपने देखा कि 3 दिन तक हमें बंद करके रखा। सुबह से हम पाँच साथी अनशन पे थे कि डरे और सशर्त हमें बिना मुचलके के हमें रिहा किया, और आगे मजदूरों की किसानों की लड़ाई हम जारी रखेंगे। हमें अंतिम सांस तक, जब तक मजदूरों को, किसानों को और आमजन को न्याय नहीं मिलेगा, उज्जैन वासियों को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्वाधिक मौतें उज्जैन में हुई है, भगवान महाकाल की नगरी में। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी आना उचित नहीं समझा तो उनको जगाने का हम काम कर रहे थे, उनकी जो नाकामी उसको सामने लाने का काम कर रहे थे। लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे मजदूर, उनको सामने लाने का काम कर रहे थे। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हमें बंद किया, और आपके सामने पूरी स्थिति है।